आराम से करो, ये अपना इधर अच्छा आराम से अजीम भाई लाइट साइलेंस रखेंगे तो इनको ब्लेसिंग देंगे भाई मोबाइल पे लाइट हमारे पास है ना 20 विंग्स है, उसमें बिजनेस इंडस्ट्री विंग है, उसकी कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस यहाँ है पार्ला में। हम लोग सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप, सेल्फ ओरिएंटेशन ऐसे प्रोग्राम कराते हैं। उस तरह से मेडिकल विंग है, उस तरह से हमारी मीडिया की भी विंग है। अच्छा, मैं इन सबको निमंत्रण देंगी हमारे मीडिया विंग में आवे प्रोग्राम में। अपना माउंट आबू में हेडक्वार्टर है और वहाँ हमारे मीडिया विंग के प्रोग्राम होते ही रहते हैं। अपना 30,000 का ऑडिटोरियम है विदाउट पिल्लर का। दीदी मैं अभी जाके आया। अच्छा क्या आया? 8-15 दिन पहले माउंट आबू जा रहे हैं ऑडिटोरियम में भी आर्टिस्ट का जो आर्टिस्ट के लिए। तीन घंटे में तैयार हो जाता है सोलार पर। आपने देखा हमारा 50 एकड़ का सोलार बना हुआ है सिस्टम, देखा आपने? क्योंकि वहाँ पे क्लासेस थे मॉर्निंग में 6 o'clock, फिर 8 o'clock, फिर 10 o'clock, फिर वहाँ पे ही ब्रेकफास्ट और वहाँ पे हो जाता। अच्छा, तो अच्छा किया, छात्रों के बाद ही जाते हैं। बहुत अच्छा किया। आबू में अपना 20 विंग्स का हमारे प्रोग्राम एकेडमी बोलते हैं हम लोग, वहाँ ज्ञान सरोवर है, तो वहाँ हमारे हर एक विंग्स का हॉल बना हुआ है और साल में हर एक विंग्स अपना अपना प्रोग्राम करती है। आर्ट एंड कल्चर विंग है, जैसे मीडिया विंग मैंने बताया, साइंटिस्ट की विंग है, वैसे यूथ हमारे पास बहुत यूथ है बच्चे, तो ड्रग्स एडिक्शन सारे प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं। वुमन स्विंग है, नहीं आप लोगों को अपना नाम और एड्रेस अभी सब दे देना तो हम मीडिया विंग में आपको इनवाइट करेंगे, तो जरूर आप लोग जाना। और ये लोगों के थ्रू भी इतने लोगों तक चीजें पहुंचेगी। हाँ, अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा। आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी, अच्छी बीबी चाहिए हमारे। वैसे भी मैं आपको बताऊँ, हमारे ये एरिया में बहुत एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं, तो हमारे पास यहाँ आते हैं। हमारे पास जे ओम प्रकाश आते थे रेगुलर, अभी शरीर छोड़ दिया। इनके युगल भी आते थे, ऋतिक रोशन के नाना नानी, तो उन्होंने वुमन एम्पावरमेंट के लिए 13 फिल्म बनाई थी हमारे समय की, आया सावन जून के, आई मिलन की बेला, आंधी, हम लोग छोटे थे ना तो देखा है ना सब। हाँ, तो वो जे ओम प्रकाश 13 फिल्म ये सारी आकर, तो वो यहाँ रोज आते थे, एवरी डे आते थे। और ऋतिक रोशन जी भी अपने प्रोग्राम में आके गए, वो इनवाइट करते थे हम लोग। हम लोगों ने एक प्लेज आई प्लेज फॉर पीस करके प्रोग्राम भाईदास में रखा था, तो अच्छा हमारा कनेक्शन है, हम लोग सेवा करते रहते हैं। हाँ बहुत अच्छा है ना, प्रोग्राम करते रहते हैं। आप तो सदा मैं कहेंगी बहुत अच्छा है, आप बहुत आगे बढ़ो, आपका एक कदम और परमात्मा का 1000 कदम आपके साथ है ना, उसकी छत्र छाया में हो, बहुत अच्छा है। और माता प्रथम गुरु, आपकी माँ ही इतना अच्छा ज्ञानी और योगी आत्मा है, तो आपको बचपन से ही अच्छे संस्कार मिल रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। चलो आप लक्की भी हो, लवली भी हो, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, इतने सब लोग प्रार करते हैं, तो लोकप्रिय, जो लोकप्रिय होता है वो बहुत अच्छा, सबको प्रिय होता है, लोकप्रिय माना क्या, अच्छी बात है ना, आप लोकप्रिय आत्मा। शांति, राखी हर साल आना बांधना, ये तो मैं हमेशा बताती हूँ कि रक्षा बंधन, तो बंधन शब्द सबको अच्छा नहीं लगता है,
बोले कि हमको बॉन्डेज नहीं चाहिए, पर रक्षाबंधन न्यारा और प्यारा बंधन, बरोबर है ना। तो रक्षाबंधन को शास्त्रों में दो नाम और दिए गए, एक विष तोड़क पर्व और दूसरा नाम है पुण्य प्रदायक पर्व। तो रक्षाबंधन जो है वो कैसे, धागा ही है, लेकिन धागे का इतना महत्व है कि कहा गया माइथोलॉजिकल स्टोरी है, परंतु उससे हमको बोध पाठ मिलता है कि कुंती ने अभिमन्यु को राखी बांधा तो उसको कोठा सूझ पहले नहीं थी, वो आ गई, वो सात कोठा उसको जीतना था, ये स्टोरी है माइथोलॉजिकल। तो बाद में ऐसा हुआ कि उनको नहीं जीतने देना था, तो चूहे के रूप में भाई उसका धागा राखी का टूट गया, तोड़ डाला, तो वो भूल गया। पर ऐसा गीत में भी गाते हैं कि कुंती ने अभिमन्यु को अमर राखी बांधा, तो इंद्र ने, इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधा, तो कहा जाता है कि उसका खोया हुआ स्वराज्य था वो उसको वापस मिल गया। तो राखी का ये महत्व है ना। हमारे दादी फो ब्रह्म कुमारी प्रकाश महिंदा ने, कल ही उनका दिन था, शरीर छोड़ रहा था, तो कल प्रेसिडेंट ने वहाँ प्रेसिडेंट हाउस में दादी की स्टैम्प का इनॉग्रेशन किया, कल ही हुआ है उनका। तो वो दादी जो थे ना, क्या बोलते थे, कोई बोलते दादी आपने हमको राखी बांधा, अभी हम आपको क्या दे रहे। तो सुनो, तो दादी क्या बोलती थी, पांच खोटा पैसा एक आना, तो उसे निकाले। तो दादी समझाती थी, पांच खोटा पैसा माना काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईगो, उनको छोड़ना है और एक बार आना है। ये ब्लेसिंग का है। पढ़ो पढ़ो क्या, जोर से पढ़ो भाई। ये यश, ये भाई यश, अरे यश इतना आ गया भाई, एक्सक्लूसिव कंटेंट। यू आर द वन विद द पावर ऑफ टॉलरेंस, सो यू ऑलवेज फील फुली अकॉम्प्लिश बिकॉज यू आर नेवर अफ्रेड। देखा, इनको बिग बॉस में जो प्राइस फर्स्ट मिला ना, उनका कारण यही है कि उनके टॉलरेंस पावर, सहन करने की शक्ति, कोई कुछ भी बोले, कैसी भी सिचुएशन हो, उनकी मेंटल स्टेट बनी रही। यदि अभी भी हम वही करते हैं, इनको पता है दादा, ये ट्राई करते हैं कि कुछ हम जवाब दे, मैं छोड़ देता हूँ कि वो बेस्ट है कि छोड़ दो, स्माइल करके मस्ती करो, उनको जवाब देते रहेंगे तो क्या। सबको राखी बांधा हमारे, एक मिनट तो प्रसाद दीजिए। माता प्रथम गुरु है, हाँ, तो माँ ने ही बच्चे को संस्कार दिया, देखो। ओम शांति, आप लक्की हो, ऐसा बच्चा तो ऐसी माता को भी धन्य है। बाबा और आप सब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, बहुत अच्छा लीजिए। कितना अच्छा और मोती की राखी देख लो सीमा। माता जी प्रेम से राखी बांध रही है मेरे को, बहुत भाग्यवान हूँ। अरे बैठो बैठो, ये नहीं देना है, नहीं नहीं वो भंडारी टाके रहते हैं अपन, मी पर भंडारी का है, हां क्लासरूम में ये गुलाब को, तो बहुत अच्छा, मेरे को अच्छा हुआ आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा।
मेरा तो आनंद गगन में जा रहा है सर, विश्व में तो जा ही रहा है आपको मिलके, पर सर गगन में आनंद नहीं। आप ऐसे सेवा करती रहो, आपके पास बहुत दुआएं है सर, ये सब बच्चों की भी दुआएं है ना भाई माता जी। हाथ से बनाई है हमारी बहनों ने, सदा परमात्मा की छत्र छाया में आप, परमात्मा का हाथ और साथ है, सदा साथी सदा लक्की और लौकी शांति। चलो बचपन से ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है। कहाँ रहती है आयुष फोन पीछे ले, यहाँ हम आ जाए तो अच्छा है, पीस के नीचे। आज पहली बार इनको शाम देखे। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम आज यहाँ पे बॉलीवुड सेलिब्रिटी स्टार शिव ठाकरे आए थे, यहाँ पे रक्षाबंधन मनाई गई, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, भारत तो त्योहारों का देश है, और रक्षाबंधन का त्यौहार हम बहने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ कि वैसे बंधन शब्द किसको अच्छा नहीं लगेगा और कहेंगे हमको बॉन्डेज नहीं चाहिए, परंतु रक्षाबंधन जो है वो न्यारा और प्यारा बंधन है। इसलिए हम रक्षाबंधन में हमारे पास जो भी सारे भाई बहने आते हैं, साथ में हम यहाँ अंधेरी में कैदियों को भी राखी बांधने जाती है हमारी बहने, उस तरह से हम लोग हॉस्पिटलों में भी बांधते हैं। ब्रह्म कुमारी यहाँ अंधेरी में एक हॉस्पिटल मैनेज सारा हम लोग करते हैं, BSES MG हॉस्पिटल मैनेज बाई ब्रह्म कुमारीज है।
तो वहाँ भी हम सब पेशेंटों को राखी बांधते हैं, सारे हमारे डॉक्टर्स आते हैं उनको भी हम राखी बांधते हैं। तो यह त्यौहार जो है वो हम बहुत ही धूमधाम से, अपना गिनीज बुक में नाम है, क्योंकि इतने सारे सेंटर, इतनी सारी बहनें रक्षाबंधन पर हर एक अपने अपने स्थान पे सबको राखी बांधते हैं। तो ये एक ऐसा त्यौहार है, जैसे हमने सुनाया कि इसको विष तोड़क पर्व कहा जाता है, पुण्य प्रदायक पर्व इनको कहा जाता है। तो राखी तो एक धागों का ही त्यौहार है, परंतु उस धागे का क्या महत्व है? कहा जाता है कि कुंती ने अभिमन्यु को राखी बांधी तो वो उसको 7 कोठे की सूझ उसके अंदर आ गई। इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी तो उसका खोया हुआ स्वराज्य जो था वो उसको वापस मिल गया। तो रक्षाबंधन राखी, हम कहते हैं बहन भाई को राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा करता है, पर वास्तव में देखा जाए कि बहन यहाँ रहती हो, भाई अमेरिका में रहता हो, तो वो कैसे रक्षा करने आएगा? तो रक्षाबंधन का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है? तो रक्षा हमारी करने वाला कौन है? रक्षा करने वाला एक परमात्मा, जिसको हम कल्याणकारी कहते हैं, शिव का अर्थ हम करते हैं कल्याणकारी, वो हमारी सच्ची सच्ची रक्षा करने वाला है। तो ये उनका यादगार। देखो सबसे पहले त्योहारों की शुरुआत कैसे होती है, पहले गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, इनके पहले गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु पूर्णिमा माना बृहस्पति की दशा बैठती है, जब बृहस्पति की दशा बैठती है तो जीवन में पवित्रता आ जाती है। तो पवित्रता, वो रक्षाबंधन उनका ही यादगार त्यौहार है। पवित्रता कहा जाता है सुख और शांति की जननी है, पवित्रता व्यक्ति को परम पूज्य बना देती है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार गुरु पूर्णिमा के बाद आता है। जब जीवन में पवित्रता आ जाती है तो 8 दिन के बाद हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। माना श्री कृष्ण का जन्म हुआ, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मी उसको कहा जाता है। तो पवित्रता के कारण जन्माष्टमी आ गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण ने असुर का विनाश किया, बताते हैं ना, वो 10 साल का था, कंस को उसने मारा, तो उसका क्या हुआ, वध हुआ कंस का। माना ये एक असुर, माना कौन असुर, माना कोई 5 सिंगड़े वाले नहीं असुर, लेकिन जो हमारी बुराइयां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको हम असुर कहते हैं। तो उसके बाद हम नवरात्रि मनाते हैं, ये त्योहारों का लिंक है। तो नवरात्रि मनाते हैं, तो नवरात्रि में लोग कहेंगे हम शिव शक्ति के उपासक हैं। तो शक्ति माना आप भी सब शक्ति हो, आत्मा से हम सब शक्ति है। और जब हमको अपनी बुराइयों को हमें छोड़ना है तो सर्वशक्तिमान परमात्मा का हमें साथ लेना पड़ता है। और सर्वशक्तिमान परमात्मा को जैसे गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब ऐसे धर्म की ग्लानि होती है तब मैं अवतरित होता हूँ। तो परमात्मा को भी शक्तियों से कार्य कराना है, असुरों को मारना है, तो उनका साथ लेना। तो शिव और शक्ति, उसका यादगार त्यौहार हम नवरात्रि मनाते हैं। तो रावण को मारा, दशहरा, दशहरा बोलते हैं ना, उनके बाद वो आता है। तो रावण कौन, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, वैसे 10 माथा में कैसे खाए गए, कैसे सोएगा, क्या करेगा, परंतु उसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि हमारे जो 5 ये विकार स्त्री के पुरुष के जब हम निकालते हैं, तो रावण मर गया तो उसके बाद हम दिवाली मनाते हैं, कॉरोनेशन, भाई लक्ष्मी नारायण का राज्य आ गया, भारत में सत्युग स्वर्णिम दुनिया आ गई। तो भारत ही अविनाशी खंड है, भारत के लिए और कोई बोलेगा भी नहीं कि हम
हमारा खंड अविनाशी है या भूमि महान है, लेकिन भारत के लिए हम कहते हैं भारत भूमि जो है वो महान है। तो भारत में ही हम कहेंगे सतोप्रधान सतयुगी स्वर्णिम सृष्टि थी जो हमें वापस अभी लानी है। तो ये त्यौहार रक्षाबंधन से ही शुरू हुआ, जब हमारे अंदर जीवन में पवित्रता माना मन वचन कर्म से भी हमें किसी को दुख नहीं देना है, उसको हम कहा जाता है कि हमारी प्योरिटी मन वचन कर्म से हमारे अंदर ये होना चाहिए, डबल अहिंसक हमें बनना है। तो ये रक्षाबंधन उसका यादगार त्योहार है। शिव आपसे जानना चाहेंगे, आज आप आए रक्षाबंधन, आपने दीदी के अंदर रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, क्या कुछ कहना चाहोगे इस वंडरफुल प्लेस के बारे में, आपका विचार क्या है? मुझे लगता है कि जो फील्ड है और फील्ड के साथ साथ यहाँ पे जो चीज़ें चलती हैं हमारे इंडस्ट्री में या पूरी दुनिया में चल रही है भागदौड़, उसमें पीस बहुत ज़रूरी है। और मैं बचपन से सेंटर पे आ रहा हूँ अमरावती के, मेरी आई भी चलती है ज्ञान में, तो मुझे जब इनवाइट किया राखी के लिए तो हमारे घर पे पहले भी राखी जो होती थी वो हम सेंटर में जाके बांधते थे। और मुझे लगता है यहाँ पे अभी पीस मिलना बहुत, पैसे मिल जाते हैं सब अपनी लाइफ में, जो जो चीज़ें वो थोड़े एफर्ट्स के मिल जाती पर हम खुश नहीं रहते, होता कि पीस ही नहीं है हमारे में, एनजाइटी है या डिप्रेशन है, छोटी छोटी चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है जब आप कोई भी ज्ञान में चलते हो या फिर यहाँ पे भी आप कोई भी सेंटर में जाके सेवन डेज भी करते हो, अभी मैं बचपन से कर रहा हूँ मुझे पता है, और कुछ कुछ चीज़ों को कैसे शांत रखना, पेशेंस कैसे बढ़ाना, मुझे सेंटर में आके ही सीखा हूँ मैं ये सब, तो पीस ज़रूरी है और मैं कोई यहाँ पे आके पीस मिलता है तो इसीलिए मैं आया हूँ। और मैं आपको भी बताया कि कल हमारी बिल्डिंग में आग लग गई थी रात में, मेरी फैमिली पहली बार मतलब बहुत दिनों के बाद मुंबई आई है, और कुछ आई को अवार्ड मिला था और रात में थक के सो गए तो एकदम से भागदौड़ चालू हो गई, बेल बजाना चालू हो गया, आग लगी और मैं देख रहा हूँ कि पूरी बिल्डिंग खाली हो रही है, और दीदी एकदम घबरा गई बच्चे को लेके, और सब सेफली बिल्डिंग को, किसी को कुछ नहीं हुआ, पर आप देखोगे पूरा शॉर्ट सर्किट हुआ था, पूरी आग बाहर निकल गई थी। और ऐसी चीज़ों से आप निकलते हो तो वो दुआओं की वजह से निकलते हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया और मुझे बहुत अच्छा लगा विद फैमिली, जो आई ने मुझे सेंटर में जाना सिखाया तो उसी के साथ आया हूँ, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे लगता है आप लोगों ने भी सुनी होगी अभी। नहीं, आपने बहुत इन्होंने अच्छा सुनाया। आज सबका प्रॉब्लम यही है, कोरोना में भी हमने अनुभव कर लिया ये कि लोगों में टेंशन तो है। ये एरिया में हम रहती हूँ ना, यहाँ मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, ये हॉस्पिटल भी मैंने क्यों खोला, क्यों लिया सेवा करने के लिए, यहाँ बहुत बच्चे आते हैं। तो जैसे आपने बताया कि एंग्जाइटी आजकल बढ़ गई है, टेंशन अपसेट हो जाना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाती है। हमारे पास एक बच्चा आता था, वो नौकर को बोलता था आप सोफा पर बैठो, और माँ को बोलता था तू झाड़ू मार, क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गई थी। फिर हमने उसको बोला साइकियाट्रिस्ट के पास भी मैं भेजती हूँ, दवा और दुआ दोनों चाहिए, और साथ साथ में हमने मेडिटेशन का कोर्स भी उसको कराया, वो ठीक हो गया। आज वो बहुत बड़ी जगह पर फॉरेन में सीईओ है, परंतु ठीक हो गया। परंतु मैं यही कहेंगी कि ये किस शक्ति ने काम किया, ये योग शक्ति ने काम किया। आज सबको तनाव है, तनाव होने का कारण क्या हो गया है, एक तो कॉम्पिटिशन, आपस में कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गई है, नंबर टू लोगों की नेचर जो है ना वो डिमांडिंग हो गई है, नंबर थ्री लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मिस अंडरस्टैंडिंग आपस में बहुत हो जाती है। इनके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, सब जो खुद को भी पता नहीं होता है इन लोगों को पता। अच्छा शिवा, मैं आपसे कहना चाहूंगा जल्दी रक्षाबंधन आने वाला, आप हिंदुस्तान के तमाम बहनों को क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे? यार बहनों को मैं, मतलब मेरी बहन से मैं स्टार्ट करता हूँ तब जाके बाकी बहनों तक पहुँचूँगा। तो मैं जो बहन वाला रिश्ता ऐसे नहीं होता कि सिर्फ खून का ही होता है, कभी कभी कोई शो में जाते हो तब एक बॉन्ड बन जाता है, और वो बॉन्ड छोटी चीज़ नहीं है कि आपको भाई बोल दिया, मैंने उसको बहन बोल दिया, उसको पूरी लाइफ आप उसकी कैसे रक्षा करते हो, और ऐसे नहीं फिजिकली रक्षा नहीं, बाकी चीज़ें भी होती है कि बहन बोलने के बाद आप मेंटली इमोशनली
पैसे देके कोई कभी हेल्प नहीं होती है, वैसे भी होती है, तो वैसे कैसे निभाते हो? और मेरे बहुत बॉन्ड बने हुए इंडस्ट्री में भी, बहुत बहनें बनी हुई है, और मैं हर शो में जाता हूँ तो मेरी दोस्त भी बनती है, बहन भी बनती है, मम्मी भी बनती है, तो मैं और वो पूरी लाइफ रहती है, और वो बहन की तरह मतलब एक भाई की तरह मुझे ट्रीट करती है। मैं तो मुझे सभी बहनों को कहूँगा आप ही रक्षाबंधन, और आप हो तो जो बॉयज़ की या भाइयों की लाइफ थोड़ी क्या कहते हैं उसको प्रॉपर मतलब पुरुषों में लाते हो आप, मतलब महिला ही लाती है, जैसे आई हो, बहन हो या बीवी हो, ये स्त्रियाँ ही पुरुषों को शिस्त लगाती है कि मैनर्स लगाती है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है कि हम थोड़े ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं भी हूँ, और मुझे भी शिस्त लगाने में मेरी आई थी, फिर बाकी जो मेरी लाइफ में मैं इंडस्ट्री तक पहुँचा हूँ तो मेरी दीदी ने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं हर चीज़ में पूछ के करता था, तो मुझे लगता है सभी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन, और आप हो तो हम हैं, और मुझे लगता है आप हर बहन भाई का झगड़ा होते रहता है, बट जो जब भी पहला कॉल जाता है घर पे, मम्मी को शेयर नहीं करते हम, पहले बहन को करते, तो बाकी सब बहन भाई कनेक्ट करे होंगे कि हर चीज़ छोटी हो, पर्सनल हो, आई हमेशा ब्लेसिंग देती है, बट बहन के पास पहला कॉल जाता है, तो आप हो तो हम हैं और हैप्पी रक्षाबंधन। वो लोग जा